अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर, बताओ, अन्यथा। ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कि कैलाश में क्या हुआ था? ये मेरे साथ कुछ भी कर ले, किंतु मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। बताओगे? मैं जो पूछूंगा तुम उसका उत्तर अवश्य दोगे इंद्र, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को अपने वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। देखो मेरे नेत्रों में देवराज, अब शीघ्र ही बोलना प्रारंभ करोगे तुम। वो बालक माता पार्वती भोलेनाथ का पुत्र, भोलेनाथ का पुत्र। तो सिंहिका ने उचित कहा था, ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ था मुझे? मुझे बोलने पर बाध्य कैसे कर दिया अस्तुष्ट ने? किंतु अब मैं इससे लड़ूंगा। व्यतीत हो रहा है और प्रताड़ित और अपमानित होना है तुम्हें इंद्रदेव। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन ये कैसे सत्य हो सकता है? महादेव और देवी पार्वती का पुत्र तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझसे मिथ्या वचन बोलकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। रुक जाओ, रुक जाओ। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं तो स्वयं ब्रह्मदेव से पूछ लो। ब्रह्मदेव, माँ, माँ, एक और बात सुनिए ना। और माँ, एक और बात, पिताश्री का तीसरा नेत्र, हम सभी के पास तो दो ही नेत्र हैं, पिताश्री के पास एक तीसरा नेत्र भी है, जानती हैं आप? हाँ। माँ तो ध्यान ही नहीं दे रही, वो तो अपने कार्य में इतनी व्यस्त है कि मेरी तो कुछ सुन भी नहीं रही। अपना कार्य कैसे पूर्ण कर पाऊंगी मैं यदि इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे आता रहा मेरा पुत्र। माँ, नंदी जी ने मुझे बताया था कि यदि पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर सभी कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाती है। ये प्रलय क्या होती है माँ? पुत्र, प्रलय तो तब होगी जब उसका समय होगा। किंतु ये तुमने क्या किया, अन्न गिरा दिया? अन्न से तो हमें भोजन प्राप्त होता है, प्राण वायु के समान जीवन का स्रोत होता है ये अन्न, इसीलिए हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, अभी मैं ये अन्न इस पात्र में डाल देती हूँ, किंतु आगे से ध्यान रहे पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, मैं और एक बात तो बताना भूल ही गया। मैंने आपको पिताश्री के जो तीसरे नेत्र के बारे में बताया वो तो कितना अद्भुत है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री सच में अद्भुत ही हैं। माँ पुनः चली गई, मुझे तो उन्हें और भी बहुत सारी बातें बतानी है। माँ, माँ, एक और बात सुनिए ना माँ। माँ, पिताश्री के पास तो डमरू और त्रिशूल भी है, ज्ञात है आपको? यदि ये इसी प्रकार मेरे इर्द गिर्द रहा तो मेरा कार्य कैसे पूर्ण होगा? स्वामी को जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अपने ध्यान में ही लीन है, और एक मैं हूँ जो ग्रह को व्यवस्थित करने के कार्यों में व्यस्त हूँ, उनके लिए तो ध्यान सर्वोपरि है। अब तो मुझे उनसे बात करनी ही होगी। आपने सुना ना माँ मैंने क्या कहा? माँ, नंदी जी ने ना मुझे पिताश्री के त्रिशूल के बारे में बताया था, कितना प्रचंड है वो आप जानती हैं? पुत्र,
हाँ माँ, मेरे साथ आओ। अच्छा माँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आप जहाँ कहेंगी वहाँ चलूँगा। किंतु हम जा कहाँ रहे हैं माँ? आओ स्वामी। क्या आपको ज्ञात है आज संपूर्ण दिवस यहाँ क्या कुछ हुआ है? नहीं ज्ञात है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब आप यहाँ ध्यान में मग्न थे, तब मैंने नंदी, श्रृंगी और अन्य गणों को हमारे पुत्र के लिए फल, दूध और मधु लाने के लिए भेजा। उसके बाद मैंने अपने पुत्र के कक्ष की व्यवस्था की। फिर मैंने गृह के अन्य आवश्यक कार्य किए। मैंने तो ये सब किया। अब आप बताइए, आपने संपूर्ण दिवस क्या क्या किया? नहीं नहीं, इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो ध्यान करने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। जानना चाहते हैं मुझे ये सब कैसे ज्ञात है? बताती हूँ। जब मैं एक एक कर सभी कार्य निपटा रही थी और साथ ही हमारे पुत्र का ध्यान भी रख रही थी, मेरी दृष्टि जब भी बाहर गई, आप यहीं थे, ध्यान में लिए। जानती हूँ ध्यान तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जगत कल्याण का उत्तरदायित्व जो है आप पर। किंतु स्वामी, हमारे गृह में अब एक बालक था, आपके पुत्र का आगमन हुआ है। यदि मेरे ऊपर आपका और उसके साथ अन्य कार्यों का भार भी पड़ गया, तो मुझे कठिनाई नहीं होगी क्या? फिर मुझे अपने पुत्र की छठी नामकरण आदि संस्कारों का, उसके जन्म के उत्सव का भी तो विचार करना है। आपसे मैंने गृह के किसी कार्य को करने के लिए तो कभी नहीं कहा, किंतु स्वामी, आपको अपने दायित्व स्वयं समझने चाहिए। स्वामी, आपके पुत्र के प्रति आपका भी दायित्व है, ये तो समझते हैं ना आप? अब आप शांत क्यों हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे? कहिए ना, इतना तो आप भी समझते हैं ना? मैं तुम्हारी बात समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। मैं समझता हूं अपने समस्त दायित्व, भली भांति समझता हूं। कहो, मैं कैसे सहायता कर सकता हूं? आपको ज्ञात है आज संपूर्ण दिवस आपका पुत्र मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझे ये बताता रहा कि उसके पिता किस किस प्रकार से अद्भुत हैं। तो अब मेरा एक सुझाव है, मैं अपने शेष कार्य समाप्त करके आती हूँ और आप अपने ध्यान के स्थान पर अपने पुत्र के साथ कुछ समय बिताइए, उससे बातें कीजिए। वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, उसकी जिज्ञासा शांत कीजिए स्वामी। अवश्य पार्वती। पुत्र, अब तुम कुछ समय अपने पिताश्री के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उचित है ना? मेरे पिताश्री अब मुझे अपने आप को लेकर अनेक बातें बताएंगे, बहुत आनंद आएगा। आओ पुत्र। पिताश्री, आप निद्रा मग्न हो गए क्या? नहीं पुत्र, मैं निद्रा में नहीं, मैं ध्यान मग्न हूँ। ध्यान पिताश्री, ये क्या होता है? ये तो मुझे नहीं ज्ञात, आप करते हैं तो कुछ अद्भुत ही होगा, बताइए ना पिताश्री। पुत्र, ध्यान से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है, हम अपने भीतर झांक कर अपना सत्य ढूंढ पाते हैं और आंतरिक और बाहरी वास्तविकता का हमें स्पष्ट बोध हो जाता है। किंतु पिताश्री, मुझे तो बिना ध्यान के ही
सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब तो मैं आपको भली भांति पहचान गया हूँ। आपके विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है मुझे। जो कुछ भी नंदी जी ने मुझे बताया था, अब वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है मुझे। मैं आपको बताऊं पिताश्री? सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। लंबी जटाएं हैं किए, गंगा को धार लिए। डमरू त्रिशूल है हाथ, त्रिनेत्र जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। तन पे भस्म है मले, नाग धरा है गले। रुद्राक्ष है क्षण है साथ, बम बोल बम भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। पुनः यही बैठ जाता हूँ उनके निकट। पिताश्री के नेत्र तो पुनः बंद हो गए, अब मैं क्या करूं? माँ ने कहा था पिताश्री के साथ ही रहना, तो उचित है। अरे ये क्या है? जो भी है बहुत सुंदर है, पकड़ लेता हूँ। अरे पकड़ में नहीं आ रहा। ये तो कुछ अत्यंत विचित्र और अद्भुत है पिताश्री की जटाओं में। नंदी जी ने तो इसके विषय में कुछ बताया ही नहीं। अतुलनीय सौंदर्य है मेरा, मुझसे भी अधिक सुंदर कोई कहां हो सकता है भला। देख लूं इसका स्पर्श कैसा होगा। क्या हुआ स्वामी? ये तो अनर्थ हो गया। माता पार्वती के पुत्र ने मुझे महादेव के मस्तक से उतार कर अपने हाथों में ले लिया है। नहीं नहीं, ये तो सर्वथा अनुचित है। बड़ी अद्भुत चमक है इसकी। मैं आपको कहाँ गुदगुदा रही हूँ? माता पार्वती का पुत्र मुझे गुदगुदा कर आप प्रताड़ित कर रहा है। स्वामी अब आप ठीक तो है? हाँ अभी तो कुछ अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। अपने इस दिव्यास्त्र से मैं सभी बुरे असुरों को नष्ट कर दूंगा। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। पुनः उछाल कर देखता हूँ। प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये चंद्रदेव क्या कर रहे हैं? Huh!
रोहिणी बचाओ मुझे, कुछ कीजिए, सहायता कीजिए मेरी। स्वामी आपने शनिदेव को देवी पार्वती के पुत्र को देखने के लिए प्रेरित किया था ना, ये उसी का परिणाम है। अब ये तो आपको भुगतना ही होगा। देवी पार्वती का पुत्र चंद्रमा के साथ पीड़ा कर रहा है, कहीं इसके परिणाम स्वरूप पुनः उस पर कोई संकट ना आ जाए। आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं अपनी वीणा से कोई राग वादन करती हूँ। ऐसा संगीत जो मन को कर दे सम्मोहित, भारत प्रफुल्लित, ब्रह्मदेव और माता सरस्वती के निकट जाकर इस दिव्य संगीत का आनंद लेना चाहिए। क्या हुआ देवी, अचानक कौन सी चिंता आपको विचलित कर उठी है? ज्ञात नहीं स्वामी, किंतु प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अशुभ अपवित्र हमारी ओर बढ़ रहा है, कुछ ऐसा जो हमारे इस पवित्र स्थान को दूषित कर देगा। देवी जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता को कलंक नहीं लगने देता, उसी प्रकार कोई भी अपवित्रता भला आपको स्पर्श कैसे कर सकती है? आप तो स्वयं दिव्य पवित्रता की ही प्रतीक हैं। वैसे भी कभी कभी अपवित्रता के जागृत होने से ही पवित्रता का भी भान होता है। आपका कथन सर्वथा उचित है स्वामी, अपवित्रता के अंत में ही पवित्रता का विस्तार निहित है, किंतु फिर भी यहाँ किसी अपवित्र और दूषित अस्तित्व के आगमन का आभास मुझे चिंता मुक्त नहीं होने दे रहा है स्वामी। आकृति स्थित है, कदाचित देवी सरस्वती की चिंता उचित थी, इस दुष्ट के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हो रही थी उन्हें। पाताल क्या चला गया, आप तो मुझे भूल ही गए ब्रह्मदेव, मैं तो आपका ही अंश हूँ। आपकी अशांति का कारण मुझे पता है, मेरे आगमन से ही
आप इतने अशांत हैं, मैं कदापि यहाँ पर आने का कष्ट नहीं करता। यदि मैं इंद्रलोक नहीं जाता और मुझे वहां पे ये ज्ञात ना होता कि कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र ने जन्म लिया है, प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा। एक बार इसे ढक कर देखता हूं। यदि ये बालक किसी प्रकार चंद्र के साथ क्रीड़ा करता रहा तो प्रकृति पर इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। क्या महादेव को यह ज्ञात भी है कि उनका पुत्र किसके साथ और कैसी क्रीड़ा कर रहा है?